असल नाजरीन मैं हूँ इखरा हारिस और आज का ये प्रोग्राम दसवीं मुहरम का ये दिन और हमारी तो वैसे कोशिश ही हो सकती है छोटी सी आ, हम तो जसारत भी नहीं कर सकते क्योंकि आज का वो दिन जहाँ पर हमने उस अजीम कुर्बानी की याद में आ, हम अखतरामन अपने सर भी झुका लेते हैं और हमारी आंखें भी नम हो जाती हैं ये सोच के कि वो ऐसी कुर्बानी आ, नवास रसूल सलील वसम की जानब से दी गई जो रहती दुनिया तक हमेशा जब तक दुनिया कायम है याद रखी जाएगी और हमारे लिए एक मिसाल की हैसियत बनकर रहेगी हमने कोशिश ये की कि हमारे पास जो इस्कालस आज के मौजूद हैं हम कोशिश ये कर सकें हम उनसे ये जान सकें कि आखिर वाक़ करबला से आ, जब ये पेश आया हमारे लिए जो मैसेज छोड़ा गया हमारे लिए जो सबक दिया गया क्या हम वाकई उस पर पूरा उतर रहे हैं आ, क्या हम कहीं ना कहीं उस मैसेज को एटलीस्ट टच कर सकते हैं जाके यहाँ अपनी रूह को सकून पहुँचा सकते हैं कि वाकई जो कुरबानी इस्लाम के लिए दी गई Uh, हमने कोई अदनासी कोई ऐसी अपनी ज़िंदगी में कोशिश की है uh, कि हम uh, उस कुर्बानी का हिसाब तो नहीं दे सकते हम एहतरामा ही कुछ कर सकें इस तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मैं हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले मैं आपका तारफ़ करवाऊँगी इसकॉलर हैं एजुकेशनस्ट हैं मुकर हैं uh, मैडम नातमा साहिबा बहुत शुक्रिया मैडम आपका इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं रिलीजियस स्कॉलर हैं राइटर हैं प्रोफेसर नासिर महमूद साहब बहुत शुक्रिया सर नौर आपका रिलीजियस स्कॉलर भी हैं स्पीकर भी हैं एजुकेशनस्ट भी हैं फद अली काजमी वो भी हमारे साथ मौजूद हैं बहुत शुक्रिया फहद आपका और सैयद मुकद्दस काजमी साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है आज हमारे साथ आप भी मौजूद हैं बहुत शुक्रिया आप सबका तो सबसे पहले नौरीद साहिबा मैं आपसे इसका आगाज़ करना चाहूँगी हम तो आ, कोशिश ही कर सकते हैं एक अदना सी के इस पर बात की जाए लेकिन असल में आज के दिन इस पर बात की जाए और उसको समझा जाए कितना ज़रूरी है बहुत शुक्रिया अकरा बिसमी सलिल सैदी व मौलाना महमदूला वसाबी वबारक वसल्लम। मैं ये समझती हूँ कि आज आपने जिस मौजू का इंतखाब किया है यकीनन उस मौजू के तनाजर में हम वो इसबाब महरिकात भी उनको जो है वो इस महदूद से वक्त में उनका अने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे ताकि वो वजूहत जान सकें कि जिनकी बुनियाद पर इमाम अली मकाम ने क़्याम फरमाया और उसके बाद फिर उस करबला के वो वाक़ात के जो आज हमारी आँखों से हमारी ज़िंदगियों से ओझल हैं और जो हमारी डेली रूटीन लाइफ में हमारे लिए उनसे इस्बाक अक्स किए जाने चाहिए क्योंकि ये एक वाक़ नहीं है ये एक पूरी दर्ज गाह है और इसमें ज़िंदगी गुजारने के वह तमाम इसबाक मौजूद हैं जो कुरान और साहिब कुरान सल्हस ने अपनी ज़िंदगी में दिए उनकी ही उन्हीं की एक्सटेंशन है जिस तरह रसुल करीम सलील वसलम ने इर्शाद फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ यहाँ मैं एक बात इकरा आज आवाज़ ही कह दूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना करबला को पढ़ा और इस हदीसी पाक को सामने रखा तो मुझे यूं लगा कि नबी करीम सल्हस जब यह हदीस पाक इर्शाद फरमाईस दिन से लेकर और आप सल्ह वसम के वाले अनवर तक बाहर आप देखिए कि रसूल पाक सली वसलम से इमाम आली मकाम का वो जो एक नाना और एक नवासे का सिपत रसूल का एक रिश्ता है बज़ाहिर दुनिया के अंदर जो एक माइत और साथ है वो सिर्फ़ उतना सा था लेकिन उसके बाद इस हदीस पाक को अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी के तौर पर लेकर इस मुआरे के अंदर निकल कर और क्यामत तक इमाम आली मकाम सलाम ने साबित कर दिया कि वो जो फरमाया था ना कि मैं हुसैन से हूँ अब वो वक्त है करबला के अंदर के मैं साबित करूँ तो आपने अपनी जिंदगी में वो जो कुरान करीम ने आपके इंट्रोडक्शन मैं समझती हूँ कि इमाम आली मकाम सलाम की कुर्बानी का जो इंट्रोडक्शन है वो सूर्य कौसर से बेहतरीन और कोई नहीं है वसर अल्लाह ने कुरान में असर की वक्त असर की कसम खाई आपने फरमाया खैर करानी बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जुड़ा हुआ ज़माना फिर साहबा कराम का उसके बाद ताबहन का लेकिन देखिए कि उन उस दौर के अंदर जिस तरह से खवरिश भी पैदा हो गए मुनाफिक भी पैदा हो गए डिफरेंट जो है वो सेक्ट्स बनना शुरू हो गए कई कम्युनिटीज़ के अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें पैदा हुई कि फिर पहले मस्जिद के अंदर सैदना उम्र फारूक रदील्ल पर हमला होता है ये मस्जिद के अंदर पहली दहशत गर्दी है उसके बाद फिर सैदना उस्स्मान गनी रदी अल्लाह तु अपने खून से मदीन मनवरा की सरजमीन पर दिबाचेए करबला लिखते हैं उसके बाद फिर ऐसे हालात बनाए जाते हैं कि उस वक्त के अंदर वो जो हदीसे पाक है कि 30 साल के बाद खिलाफत जो है वो मुलुकियत में बदल जाएगी फिर वो मुलुकियत में बदली फिर उसके बाद जो है वो खत लिखकर बैत के लिए मजबूर किया गया हाँ। फिर इमाम अली मकाम को बताना पड़ा कि मुझ जैसा हुसैन जैसा जो है यानी हुसैनी एक किरदार बताया कि हुसैन जैसा यजीद जैसे की बात नहीं कर सकता और आपने क़यामत तक आने वालों को ये बावर करा दिया कि हुसैनीत किसी एक शख्स का नाम नहीं वो एक उस्वा वो एक रोल मॉडल वो एक किरदार वो एक ट्रेंड और वो एक रवैये का नाम है बिल्कुल और उस आपने फरमाया कि मेरी जंग यजीद से नहीं बल्कि हर उस शख्स से है जो यजीदी किरदार रखता है और फिर उसके बाद आप देखिए हम इस वाक़े को जब देखते हैं तो मदीन मनवरा को छोड़ना मक्म मुकरमा में आकर आबाद होना मुख्तलिफ़ लोगों से जो है मशावरत करना शेब अभी तालब की सहबतों को बर्दाश्त करना इतम हजत के तौर पर अपने सफ़ीर को कोफा में भेजना यानि आपकी स्ट्रैटिक प्लानिंग देखिए कि आप एक मुदबिर सियासतदान के तौर पर भी इस मामले को लेकर चल रहे हैं फिर हर तरह की हजतें तमाम हुई वफूत भी आए खतूत भी आए लोग भी आए और आपने अपने हज के एहराम को उम्र में किस लिए बदला एलामतुल्ला के नफाज के लिए अमर बिल मारूफ के लिए नहीं के लिए इस्लाम की उन अकदार को जो बदल बदली जा रही थी और जो सच को झूठ और झूठ को सच के साथ हक को बतिल के साथ मुलतबिस किया जा रहा था अब वक्त आ गया था कि करबला बपा करके और करबला में कहती हूँ ये फारे के हक को बातिल है ये दो, जो दो रंगियाँ हैं ना ये उनको खोलने वाली है एक तरफ यजीदी फौज है एक तरफ सूफी के दार के लोग हैं एक तरफ हुसैनी काफिला हैं तो वहां से निकलने वाले हुराम बताते हैं कि अगर हुसैनी बनना है तो फिर यजीदियों की सिपाह को छोड़ना होगा उनकी सफ़ों को छोड़ना होगा फिर जाकर हम ये साबित कर सकेंगे कि हम कन उमास सदकिन के दर्जे पर उन सच्चों के साथ हैं जिनको हम हर नमाज में कहते हैं कि सरात लजीन अलैहिम तला में इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चला ये वही है अम्बिया के बाद के जो सिपते रसूल हैं हर कदम के ऊपर कुर्बानी नजर भी आती है अच्छा फहद जिस तरह भी जिक्र भी किया नौरित फातमा साहिबा ने अः यहां पर आज की दुनिया में जंग एक ही चीज की वो है पावर की सीट की कुर्सी की तो इनसे ज़्यादा पावरफुल शख्सियत तो कोई नहीं हो सकते ना जिनके पास पावर विरासत से है नवास रसूल बीबी फातमा मौला अली के साहबजादे उसके बाद तरबियत उनकी आप देखिए तो उसके बावजूद एक अदनासी पावर को ठुकरा कर उन्होंने एक शान पावर अपना ली उस पर आप क्या कमेंट करेंगे बस्मिल आज का दिन इमाम अली मकाम इमाम की शहादत और अज़ीम क़ुरबानी की याद दिलाता है और जिस तरफ आपने इशारा किया मैं इस सारे कॉन्टेक्स्ट को हम पहले जैसे आपा ने भी डिस्कशन की इशारा किया इमाम हुसैन सलाम का मिशन हकीकता पोलिटिकल नहीं है इस बात को बार बार हमें याद करने की ज़रूरत है इमाम हुसैन का मिशन रिलीजस और स्परिचुअल है ये सबसे पहली और बुनियादी बात है जिसको आम तौर पर लोग इग्नोर कर देते वो समझते हैं कि ये किसी पॉलिटिक्स के लिए इमाम पाक जा रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं जा रहे हैं ना इमाम पाक पॉलिटिशन है इन दैट ऑफ दर्ल्ड इमाम आली मकाम इमाम हुसैन आसमाम रिलीजस इम्प्लीमेंटेशन के लिए जा रहे हैं इसी का एक मकाम बैदा में उन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया अपने मिशन को खुद बताया उन्होंने दुरान सफ़र उन्होंने कहा लोगों को खिताब करते हुए सामने हजरत हुर का रसाला जो उनको रोक रहा था उनके सामने खिताब किया आपने आपने कहा लोगो तुम देखते नहीं हो हलाल को हराम और हराम को हलाल किया जा रहा है तुम देखते नहीं हो कि रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत को फरामोश किया जा रहा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फरामोश किया जा रहा है और मैंने अपने नाना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि जब ऐसे मामला हों ऐसे सरकमस्टांसिस हों तो जो खामोश बैठेगा वो उसी िम कौम में से गर्दाना जाएगा आई कैनोट हैंड स्टे क्वाइट मैं चुप नहीं रह सकता तो इमाम हुसैन का मिशन बुनियादी तौर पे रिलीजस स्पिरिचुअल रूहानी मिशन है अब दूसरी बात जो बहुत वो भी बहुत इम्पॉटेंट है वो बात ये है कि सरकार दो आलम सल्ला वसलम ने हज़रात अम्बिया ने और इमाम अली मकाम ने भी उस मज़हब के मिशन को इम्प्लीमेंट करना है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई निज़ाम कायम करना पड़ेगा ना और मुसलमानों के यहाँ एक निज़ाम कायम हुआ खिलाफत राजदा जिसको कहा गया खिलाफत राजदा क्या है खिलाफत राजदा मजहब को एक्सप्रेस करने का इम्प्लीमेंट करने का एक निज़ाम है और उसमें क्या है अल्लाह रबुल्जत का, का कानून सुन्नत रसालत माब रूल ऑफ लॉ मसावत इक्वालिटी कंपैशन ये सारी उसकी वैल्यूज हैं आप खलीफा को क्वेश्चन कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी है खलीफा के सामने सवाल कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो खिलाफत राजदा के अंदर है वो क्या है बाप बेटा खलीफा नहीं बन सकता मेरिट पे खिलाफत होगी हजरत अली उल मुर्तजा जब पर्दा फरमा रहे थे लोगों ने पूछा कि आपके बाद कौन आपने कहा मैं इसके ऊपर फैसला नहीं करता लोगों ने डिसाइड किया कि इमामी आली मकाम इमाम हसन मुश्तबा इस तो खलीफा होंगे ठीक है इस खिलाफत रास्ता का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरिट पे बेस करता है मेरिट पाईटी वो उस लेवल के ऊपर अब जब सरकार मदीना सल वसलम के पर्दा फरमाने के तीस साल बाद ये इस्लाम की वैल्यूज़ को पमाल किया गया है जिसको आका ने हदीस सफीना के अंदर पहले से बता दिया था कि बाद में काट खाने वाली मलूकियत होगी अब जब काट खाने वाली मलूकियत आ गई तो इमाम अली मकाम इमाम सलाम उसके उसकी बैत नहीं करेंगे और उन्होंने ये ऐलान किया मदीने के अंदर मदीने में खतूत नहीं आ रहे थे ना वो कूफा जा रहे थे तब ही वॉज हेडिंग टर्ड्स मक्का और उन्होंने तब ऐलान किया मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा रोकने की कोशिश की गई कि आपको रोकेंगे आपने कहा कौन रोकेगा अली के बेटे को मुझे कोई नहीं रोक सकता मक्का गए मक्का में अब अक्सर लोग ये सवाल पेश करते हैं कि जी बहुत से लोगों ने आपको रोका आप क्यों गए तो इस सवाल को भी आज के दिन एड्रेस करना चाहिए सरकार तो आलम सल्ला शाबी अभी तालिब गए तो क्या आप रोक सकते हैं आकाम को कि जी आका वहाँ पे जुल्म होगा इसका मतलब है कि आका को जो हकमतों का पता है हमें नहीं पता हमें ही मान लाना है इसी तरह इमाम हुसैन आसलम को अपने वक्त में क्योंकि वो जानशीने रिसालत मब है जिन हमतों का उनको पता है हमें नहीं पता हमें ई मान लाना है कि आका हुसैन का मिशन हक पर मबनी है बिल्कुल और जब अब्दुल्ल इबिन अब्बास अब्दुल्ल इब्न उमर अब्दुल्ल इब्न ज़ुबैर अब्दुल्ल्या इब्न जाफ़र रजी अल्लाहमा जब ये आकर रोका करते थे तो इमाम यही कहते थे बड़ी ख़ैर खा की बात की बड़ी नसीहत की तुम खैर खाओ मेरे आई अंडरस्टैंड दिस और अब्दुल्ल इबन जाफ़र को रज़ी अल्लाह अल्ला जो आपके ब्रदर इन लॉ थे ऑनरेबल आपने उनको कहा कि मुझे कल ख़्वाब में सरकार दो आलम सल्लाम मिले हैं और उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है और उन्होंने कुछ मुझे हुक्म दिया है मैं उस हुक्म का पाबंद हूं yeah. तो आज के दिन दस मुहर्रम हराम के दिन हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इमाम हुसैन का मिशन स्पिरिचुअल है रिलीजस है उसकी बातनी हमतें हैं जो सरकार वसलाम से डायरेक्ट गाइडेंस उस वक्त भी इमाम आली मकाम को मिल रही थी तो इस जंक्चर ऑफ हिस्ट्री के ऊपर हमें क्या देखना है इमाम हुसैन किधर खड़े हैं जितने इम हुसैन खड़े हैं वो हक है वो अजीमत का रास्ता है वो हक का रास्ता है और इमाम हुसैन के पीछे जैसे भी इशारा आयत खड़ी हुई है उनके पीछे लात ला आदात अदीसे मुस्तफ़ा खड़ी हुई है इस बात को जब हम करते हैं तो आगे निकल जाते हैं इसका मतलब है कुछ इसको समझने की जरूरत कुरान की आयात हदीस मुस्तफ़ा बता रही है कि ये खास तबका है मेरे बाद ये फारे को बातिल है मयार है कसौटी है उम्मत ने इसके साथ जुड़ना है मसला यह है आज तक आज हम बैठे हुए और हक की बात और हक की बात क्या है कि प्रॉफिट की फैमिली को डिनाई किया गया है उनको इग्नोर किया गया है उनको वो प्रामिनंस जो कि आका हमसे चाहते हैं आकाम हमसे तक कर रहे हैं वो प्रोमिनंस हमने नहीं दी और काश हम देते इमाम हुसैन की वो लास्ट अटैम्प्ट थी मलूकियत के खिलाफ अगर वो अटैम्प्ट कामयाब हो जाती अगर इमाम अली मुकाम प्रिवेल कर जाते तो वाकया हर्रा ना होता मदीना मुनवरा को जब यजीदी आर्मी ने पामाल उसके बाद के हुमरानों ने पामाल किया बैतुल्ला के जब पर्दे जलाए गए जब तवाबून के चार हजार लोगों को तह ते किया गया शहीद किया गया तो इमाम हुसैन को तब सपोर्ट चाहिए थी हमें उनको सपोर्ट करना था हम नहीं कर सके और उसका हमने नतीजा भुगता है अब हमारे लिए एक चांस है कि हम इमाम हुसैन के मैसेज को असिमुलेट करें और आका ने जैसे हदीस में बताया है कि इसी खानदान में से एक और फर्द आएगा एंड ऑफ टाइम्स में आखिर उस जमान में सैदना मेहदी तो करें तो स कर अब अब तो करेंगे आज का ये दिन और कुर्बानी की लाजवाल मिसालें और असर हाजिर का ये दौर बिस्मिल खूबसूरत गुफ्तु और ऐसी बढ़ाता हूँ सबसे पहली बात जो याद रखनी चाहिए आज से दिन इमाम हुसैन आसमाम के योम शहादत को मनाते हुए कि ये शहादत कोई ऐसी शहादत नहीं है जो अचानक वक़ूप पज़ीर हो गई या कुछ वाकयात की वजह से हो गई या जिसको आप यूँ कह लें कि मैं आजकल सुनता हूँ बहुत सारे लोग के खतूत लिख दिया बुला दिया ना लिखते तो इमाम हुसैन गोया इमाम ना उठते क्याम ना करते ऐसी कोई बात नहीं थी कि अगर वो ख़त ना लिखते तो इमाम हुसैन बैठे रहते और मैं बहुत सारी जगहों पर सुनता हूँ जुमा के दिन कोई सलाम पढ़ दे जिनको बैठे बिठाए सताया गया तो जिनको बुलाया गया बात दरअसल ये थी कि इमाम हुसैन आसमाम जिन हालात से गुजर रहे थे उन हालात को समझे और फिर इस कुर्बानी की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरें दी हैं उन पर गौर करें उनकी आंखें भर आती थी आकाम ने इमाम हुसैन की विलादत से ही आपकी शहादत की खबर देने शुरू कर दी उसकी उसके ऊपर पिछली अहादीस है एक आपके सामने रख देता हूँ बात आगे चलाने के लिए सईदा उमसमा उमुल रद्ल तैना आप फरमाती हैं कि हज़ू सल्लाम ने मुझे फ़रमाया अंदर कमरे में मेरे पास एक मुकरम फ़रिश्ता है किसी को अंदर ना आने देना हज़ूर सलाम के हुक्म पर सईद उम्मा रद्ल तँ खड़ी हो गई हर आने वाले को रोकती थी इमाम हुसैन एक मासूम शाहजादे जब वो बाहर तशरीफ़ लाए और इनको रोका गया तो वह रो पड़े रसोल सल्ला वसलम तेज़ कदमों से अंदर बाहर आए और फ़रमाया हुसैन को किसने रुलाया आका आपने फरमाया था कि अंदर कोई ना आए तो मैंने इनको रोका तो रो पड़े ने इनको उठाया उठा के अपने साथ अंदर ले गए और जब अंदर पहुँचे कुछ देर के बाद जब दरवाज़ा खोला गयात सद में सलमा ने देखा रसोल्ला सल्हम जारो कि तार रो रहे हैं हज़ुर सलाम की आँखों से चश्मान मुकदस से आंसूँ हैं और ये पूछती हैं आका आपको किस चीज ने रुलाया फरमाया जब मैं हुसैन को लेके अंदर आया तो फरिश्ता जो मेरे पास बैठा था उसने कहा या ला, ला ला आप इतनी मोहब्बत करते हैं हुसैन से फरमाया हाँ कहते हैं आसमानों में ये खबरें हैं कि आपके इस बेटे को आपके बाद आपकी उम्मत शहीद कर देगी और फिर सलमा मुझे उसने उस जगह की मट्टी ला कर दी है ये उस जगह की मट्टी है इसको संभाल के रखोत हवलत हाज है तुरबत दमन फालमी अनबनी नबनी हाजा कद को तेला जब ये मट्टी खून बन जाए तो जान लेना मेरा ये बेटा शहीद कर दिया गया अब शहादतों की एक दास्तान है मैं आपके सामने कहता हूँ बद्र भी है उहद भी है हुनैन भी है खंदक भी है हजरत सईदना हमजा रदी अल्लानों की शहादत भी है हजरत फारुक़ अजम की है गनी गनीजन की है मौलाए का की शाहादत है किसी एक शहादत की इतनी तफसीत रसोल्ला ने बताई हूँ मैं आगे अर्ज़ करता हूँ आगे तमाम अहादी हैं हजूर सलाम ने फरमाया कि कर जिन्हें इराक में शहीद किया जाएगा बेअर्दिन युकाल करबला फिर कर बला में शहीद किया जाएगा फिर हजूर अल्लाम ने सन भी खुद बताया फरमायादरत अबू हरद् दुआ करते थे अल्लामारेसारिजरी के ख़त्म होने से तेरी पनाह चाहता हूँ और नौजवान लड़कों की लोंडो की हकूमत से तेरी पनाह चाहता हूँ ये सारी निशानियाँ रसोल सके बता रहे हैं न सिर्फ बता रहे हैं याद करवा रहे हैं याद करवाया काजमी साहब याद करवाया रसूलुल्लाह ने आफ इबन कसीर ने अलबिदाया बन में लिखा मौलात मौलानी से, से वापसी पर रास्ते में वो फुरात के किनारे से गुजरे लोगों ने अर्ज किया कि हमने पानी पीना है सवारियां थक गई वहाँ पर रुके वजू किए पानी पिए उनकी सवारी ने पानी पिया किसी ने देखा अमीर उलमोमिन चंद कदमों पर बैठे रो रहे हैं आपके पास किसी ने आके पूछा क्यों रोते हैं फरमाया हा होना मुनाखुर कहम वहाँ होना मुहराक व दिमा यहाँ वो रुकेंगे यहाँ उनका खून बह जाएगा यहाँ उनके खेमे होंगे और आल रसूल का एक गुरो यहाँ पर शहीद किया जाएगा ऐसा जिस पर आसमान और ज़मीन रोएंगे हज़ू सलाम ने सबक याद करा दिया था अहल बैत जानते थे खुद सहाबा तो। जानते थे रसूल सल्लाम के साथ उठने बैठने वाले सब जानते थे आकाल ने याद करवाया अब किसी और शहादत को हज़ूर ने आका ने एक एक दो दो बार खबर दी इस तरह किसी को याद नहीं करवाया वजह अब यहाँ पर आते हैं वजह ये थी हजूर सरदालम वसल्लम ने जिस काम के लिए इन्हें रब से मांगा था जिस चीज के लिए इनकी तरबियत की थी इनकी शहादत दीन इस्लाम को बचाने वाली वो शहादत होगी जो क्यामत तक मुसलमानों में क्याम का जज्बा पैदा करेगी और मुसलमानों को हक की खातर मर मिटने का जज्बा देगी Allah. अब आप देखें हुआ क्या था इमाम हुसैन आसलम को क्यों उठना पड़ गया अभी यजीद की तो हुकूमत शुरू हुई थी ना अभी बैत मांग रहे थे तो इमाम हुसैन खड़े हो गए वजह ये थी हमारे भाई एफादली का आजमी साहब ने सिर्फ इशारा किया व जो खिलाफत राशता थी अदरत फर सिद्दीक अकबरदी अल्लाह तु वो उनके खिलाफत में देखे तो उनका दिल करता है मीठा खाऊं तो उनकी खातून ने कई दिनों बाद जौजा ने मीठा आपके सामने रखा फरमाइए कैसे बनाया उन्होंने कहा जो घर में खाना आता है थोड़ा थोड़ा बचा के मैंने आज आपके लिए खाना तैयार किया आपने बैतलमाल के उस मुआफ़ से क्या दिया एक, -एक चम्मच घर में बच सकता है ये रोक लो हज़रत उम्रद्लह तुम बीमार होते हैं आपको हकीम कहता है कि एक चम्मच शहद मिल एक किलो बो बोतल शहद की मिल जाए मैं आपकी दवाई तैयार कर लेता हूँ फरमाया जुहे के दिन आना मस्जिद में वो जुम्मे के दिन मस्जिद में आया इतनी बड़ी ममलिकत का हुक्मरान खड़े होकर लोगों से कहता है लोगों मेरे अपने वसायल में इतना शहद लेना मुमकिन नहीं है कई दिनों से बीमार हूँ हकीम मस्जिद में आया बैठा है बैतुलमाल में बोरियाँ भरी हैं तोड़े भरे हुए हैं शहद के इजाज़त हो तो मैं शहद ले लूँ पूरी मस्जिद रोने लग पड़ती है कि इतनी बड़ी ममलिकत का हुक्मरान और लेने के लिए लोगों से इजाज़त ले रहा है ये जब सारा निजाम लपेटा जा रहा है सीधे ना मौला मौला जब, जब इधर बैतुल मौ... आपने आपने कैपिटल शिफ्ट किया लोगों से कहा लोगों मेरे पास जो कुछ है देख लो लोग कहने लगे उसे जाऊं इससे एक भी चीज ज्यादा हो तो मुझे पकड़ लेना यह निजाम सारा बदला गया था जक़ात पर लोग अपना तसरफ आ... जमाने लगे थे हलाल को हराम और हराम को हलाल करने लगे थे हमदान में मुसलमानों की बच्चियों को बाजारों में खड़ा करके बेच दिया गया हज़ूर सलाम आ... के सहाबा की इज़्ज़त और नामूस मुश्किल में पड़ गई थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब कुछ देख रहे थे अपने बाबा की जिद्दोजहद इस रियासत को बचाने के लिए भी देख चुके थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला अली शेर ख़ुदा के साथ शाना बशाना लड़ चुके थे इस रियासत को बचाने के लिए जब देखा मेरे नाना की जिद्दोजहद मेरे बाबा की जिदोजहद मेरे भाई की जद सब खत्म हो जाएगा इमाम हुसैन आलम उसके खिलाफ क्याम करके खड़े हो गए आपने फरमाया अगर आज कुर्बानी ना दी तो रसोल्ला सल्लाम का दीन अंदाजा करें ना अब्बाज लोग कहते हैं कि ये कैसी बात है कि दीन को क्या खतरा होना था सिर्फ पचास साल हुए थे रसोल्ला को रसत हुए उस जमाने में जो भी हो जाता वो दीन बन जाता जैसे बाकी चुप थे अगर इमाम हुसैन चुप हो जाते वो दीन बन जाता हुसैन यूं खड़े हो गए फरमाए ये दीन नहीं है लोग बात 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 कहते ने दे दिया इमाम किसी का मशवरा मान लेते आज दीन ना होता ये मस्जिदों में अजानें ना होती लोगों ने हलाल हराम मिक्स कर दिया था इमाम हुसैन ने खड़े होके और किया इस्लाम की खातिर अपने बच्चों के खून से कलमा इशादत लिख दिया सबसे मुश्किल वो जो बिनाए दीन बने ना वो वो अपने ओन मोहम्मद के खून से लिखा वो आपने अपने अली अकबर के खून से अली असगर के खून से कलमा लिखा और नाना के दीन की ऐसे हिफाजत की कि इंसान उसका तस्वर नहीं कर सकता क्यामत तक जब भी बात आएगी तो लोग कहेंगे हक यूं खड़ा होता है जैसे हुसैन कर बला में खड़े हुए बहुत खूबसूरत बिल्कुल बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कुर्बानी अपनी देना और फिर अपने बच्चों की दे देना ये कोई आम बात नहीं है एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद मुकदस काजमी साहब भी हमारे साथ मौजूद है वेलकम बैक और हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो मौजूद हैं मुकदस काजमी साहब जिस तरह इशारा किया नासिर महमूद साहब ने अपनी कुर्बानी देना तो चले इंसान दे भी देता है कई दफ़ा देख नहीं भी करता वैसे तो अपनी जान पता भी हो चली जानी है इंसान डर जाता है लेकिन जब पता हो कि छोट छोटे छोटे मासूम बच्चे भी कुर्बान हो जाने वो वो ताकत किस तरह आई तमाम जिला के नाम की जो बड़ा और सलाम और हो خاتم النबियिन पर रहमतु लिल आलमीन पर जो ताइफ के बाजारों में पत्थर खा के भी दुआएं देता रहा एक ही ये तर्बीयत और मेरा सलाम हो आले अथार पर जिनकी तहारत की गवाही कुरान दे रहा है इनमा यूरीदुल्लाहु लियुहिबानकुम मुरिज साहलल बैत वयुतहीराकुम ततहीरा फिर कुरान कह रहा है और मेरा सलाम हो सहाबा इकरम पर। जिन पर अल्लाजी रहे और मेरा सलाम्ला पैरवी में गुजार दी क्या सवाल मैं सबसे पहले तो जिस नुकते की तरफ प्रोफेसर साहब ने इशारा किया जंजानी साहब ने किया बहन फातमा ने किया वह ऐसे हैं जो वक्त की अशद जरूरत है एक होता है ना कि क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं नौजवान बच्चा ये पूछ रहा है कि जैसे उन्होंने कहा कि आ, जो है वो बैठे बैठाए तो कुछ नहीं हो पाई रसालत बाप तो इसके दे चुके अपना खबर दे चुके और फिर मैं आपके सवाल की भी तरफ आ रहा हूं कि बच्चों को साथ लाने का मकसद यही था कि रजाला में अल्लाह की रजा के लिए क्या कुछ जो ना एक दैरिया जो खुदा को नहीं मानता वो कहता है मैंने अगर खुदा को मानना है तो वो हुसैन के यकीन की वजह से मैंने माना कि जब सजदे में भी हैं जब कट रहा हो जिसम तो क्या याद रहता है कुछ नहीं लेकिन सुबह और अबी और फिर आपने कहा कि ये तो अपनी कुर्बानी जो बच्चों की कुर्बानी है हकीकत में है कि बच्चों के जज्बे उस तरबियत का हिस्सा थे कि जिसमें यह कुर्बानी या उनके लिए शहादत पूछा गया सरकारी हसन अलैहिस्सलाम के बेटे से सरकारी कासम अलैहिस्सलाम से जनाबी अली अकबर से पूछा गया कि आपको मौत कैसी लगती अब तेरह साल का एक बच्चा एक अठारह साल का नौजवान तो बच्चे के लिए जो सबसे ज्यादा यानी अच्छी जो चीज लगती है वो शरीर लगती वो शायद है कहा बाबा और दूसरे का चाचा शहद से ज्यादा शीरी लगती है हमें ये जो मौत जिसकी आप बात कर रहे शहद से ज्यादा शेरी है तो बताइए कि जहां पे जज्बे और फिर ये तो आप चले शौर की उस मंजिल पे हैं खैर इनका बच्चा भी देखिए कि बच्चा छोड़ के मैं कहता हूं इनके घर का जानवर मैं बाद में जिक्र करूंगा कि बच्चा छे माह का है सरकार ने करबला में कहा हल में नासा है मेरे को गरीब की मदद करने वाला कोई ये नहीं मदद मांग रहे थे कि तलवार लेके आ जाओ जो।, जो मिशन था उस मदद की बात कर रहे थे छह माह का बच्चा उसने अपने आप को झूले से गिरा दिया आए यार। समझने की बात तो ये कि छह माह का बच्चा आप तो मैंने बड़ों का जिक्र किया बच्चे का आप जज्बा देखिए और उसके बाद वापस जब खेमे में आते हैं तो वीरुभा भी भी फरमाती हैं, आपकी जोजा कहती है जब से आपने आवाज गई बच्चा तिल मला रहा है अपने आप से झूले से गिरा दी तो आपने उठाया उठा के अब जब करबला की तरफ मैदान की तरफ ले जा रहे हैं लोगों ने कहा देखो हुसैन अब कोई बन नहीं पा रही तो जो उनके ख्याल हूं उसको उसी तरह मैं बयान कर रहा हूं बन नहीं पा रही तो अब जो ना ये कुरान को उठा के ले आए क्योंकि ऊपर कपड़ा था तो जब उठाया तो वो बच्चा था तो बच्चे को देख के कहा के अब इसको ढाल बना के पानी मांगेगा मुझे नहीं चाहिए इस बच्चे को चाहिए तो किसी ने इख्तियार को क्या वो जाने जो सामने खड़े हैं वो क्या जानते थे अख्तियार को कि इनके अख्तियार में क्या है उन्होंने बच्चा खुद मांगेगा पानी तो फिर हम देंगे जब बच्चे ने आ, सरकार ने बेटे की तरफ देखा जनाबेर अलैहिस्सलाम की तरफ तो आप आए हैं वो मंजर अगर आप सोच लें तो मैं तो कयामत से कम नहीं था कि वाहिद ये मुजाहिद था जिसकी इस अदा से पूरी यजीदी फौज ने रोना शुरू कर दिया और मुंह दूसरी तरफ कर दिया। वो अदा क्या थी कि उस बच्चे ने अपने होटों पर जो है वो जबान को भेज तो तारीख ये कहती है कि दिलमलाहट पैदा होगी पूरी बगावत का जो ना वो पैदा हो गया समा तो उसी वक्त जो उम्र साद है उसने कहा कि हुसैन के कलाम को कता कर कुछ तीर होते हैं अब इसमें भी थोड़ी सी मैं डिटेल में मैं कहता हूं कि अगर सोचा जाए आज के दिन जो आप बयान कर रही हैं जो पूछ रही हैं मुझे नहीं पता कि लोगों के ख्यालात उस माँ से पूछिए जिसके छह माह के बच्चे को जो है वो आ, मैदान में ले जाया गया और वो आ, पानी उसे नहीं मिल रहा और एक तरफ इशारा होता है कि इस हुसैन के कलाम को कता कर और वो वो तीर उठाता है जो जानवरों को मारने वाला है उठा के तीन फाल वाला तीर कहते हैं कि हरमला ने वो तीर चलाया और कहते पाक की जो है वो गर्दन पे लगा आ, तीर तो आ, सुराह करते इसने कता किया गर्दन को और अगर इमाम का कंधा ना होता तो यह तीर असगर को दूर तक ले जाता फिर कहते हैं कि गम क्यों होता है आंखों में आंसू क्यों है यह देखे तो सू हो क्या रहा है? फिर जब तीर मैं बिल्कुल मुखसर कर रहा हूं जब तीर लगा जंजानी साहब फादमा बहन जब तीर लगा कहते तारीख ये कहते कि इमाम अब मां को कह के आए थे कि मैं पानी पिलाने के लिए थी जाऊ कितना पानी पी लेना था एक मासूम ए, दो कतरे चार कतरे अब कहते हैं कि इमाम के लिए आज जितनी भी लाशें उठाई उसका वजन इमाम को नहीं एक शायर अपना ख्याल बयान कर रहे तो कहते हैं जब इमाम ने जब छह माँ के बच्चे को लेके गए ना और उसकी मां की तरह और कपड़ा उसी तरह डाला कहते कि वो 6 माह का बच्चा इतना वजनी हो गया कि इमाम से उठाना मुहाल हो गया क्या उस मां को बताया हुआ? कैसे बताया हुआ? किस तरह जो है वो आ, 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 उस मां को दिखाएं कि ये ले तू मैं पानी पिलाने लेके गया था ये ले जिबा करके ले आया कहते हैं आखिर जब हिम्मत नहीं रही तो इमाम खैमे के पीछे जाते हैं और एक तलवार सी वो हो अब ये मंजर मैं कहता हूं कि बयान सिर्फ हम कर तो सकते हैं सिर्फ एहसास के साथ सुन लिया जाए तो पूरी आपके वजूद पे कयामत आ जाए वो क्या है जब तलवार के साथ एक कबर नन्ही सी कबर खोदी और जब जनाबी अली असगर को रखा जब उस रेत डालने लगे ना ये छी माह के बेटे को और देखिए शरीयत का ये कानून है कि बाप अपने बेटे को जो कब्र में ना उतारे करबला में क्या उतारा है क्या हुआ कि जब चेहरे पे जब इमाम ने वो रेत डालनी चाहिए होगी हो, तो सोचे उस बाप के ऊपर उस बाप के लिए वो क्या मंजर हुआ और कहते हैं कि सारे एक एक दफा शहीद हुए लेकिन ये छह माह का मुजाहिद दो दफा शहीद हुआ तारीख ये कहती है कि इकहत्तर सर जो ना उनको काट के नेजों पे लाया गया कहा बहत्तर वाला साल अब देखिए मैं एक छोटी सी बात के बाद नतीजा एक देना चाहता हूँ कि वो सर कहाँ है? उन्होंने कहा जी कि हमने इमाम को देखा वो पिछले खैमे में जो है वो आ, कुछ खोद के जो है उनको जनाबी अली असकर को जो ना वो दफन किया कुछ यजीदियों को हुक्म ये मारते चले जाओ और एक नेज़ा ऐसा कि जनाब अलीस्कर के, के वजूद पे लगा और वो नेज़े के साथ जनाब अली वहां पे तारीख आप देखें मेरी मजबूरी है कि मैं लोगों को बताऊं कि ये रिक्कत तो रोना और ये कहीं खुदा के लिए ये सुनत मुस्तफा है जैसे इन्होंने बताया कि आप रोए और ये यह शहादत है जो शहीद होने से पहले मनाई गई इस बात को समझने की जरूरत है फिक्र के उलमाय इस बात पर मुतफिक है जैसे जिनाबे प्रोफेसर साहब ने फरमाया तो उसके बाद क्या हुआ किस तरह जनाबी अली का गला काटा गया और उसके बाद कैसे नीजे पिलाया गया और नेजे पर लाने के बाद खुदा की कसम करबला से शाम तक जो भी सर को देखता कि तो हाँ यार ये मैदाने जंग की बातें हैं लेकिन ये बच्चे का जो सर काटा जो नेजे पे है यह जंग नहीं हुई ये जुल्म हुआ है उस, उस अदा ने कि जो बाप के हल में नासरी का जो सदा सुनी तो अब बताई कि वो कहां तो मेरा ये जी चाहता है कि वो करबला की मां सरकारी हुसैन अल इस्लाम की बहन जिसे जनाब जैनब कहती है अगर मुझे इजाजत दें अगर वक्त आपके पास है तो मेरा जी चाहता है कि मैं उनका मरसिया जो उनकी मैं ਸੁਗਰ ਕਰੋਏਗੀ ਕਬੀ ਸਰਵਰ ਕਰੋਏਗੀ ਸੁਗਰਾ ਨਬੀ ਕੇ ਕਬਰ ਤੇ ਅਕਬਰ ਕਰੋਏਗੀ ਸੁਗਰਾ नबी की कब्र पे अकबर अकेबल जाएगी हाय सर बरनो जो बाजार शाम में जाएगी सर न जो बाजार छो में कुलसू बसी में खुले सर को रू कुलसूम बेकसी में खुले सर को रोएगी। बेटों को हाय माँ को बाप को भाई भतीजों को बड़ा ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਵਾਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੁਰਣਾ ਦੂਰੇ ਬੇਟਾਂ ਕੋ ਮਾਂ ਕੋ ਬਾਪ ਕੋ ਭਾਈ बतीजो को जैनब जैनब तमाम ओम बरगर को रोएगी वरे को रोएगी अब्बास के ਹਾਏ ਕਟੇ ਹੋਏ ਸਨੂ ਨੂੰ ਦੇਖਕਰ ਡਲ ਰات ਗਈ ਹੁਣ ਸੰਪਉ ਬਚੜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੀ 마সূਮ ਸਕੀਨਾ ਇਕ ਲਹਜ਼ੇ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਖੜਾਏ ਏ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਪਿਉ ਦਾ ਸੀਨਾ ਕੱਲ ਜ਼ੁਹਰ ਵੇਲੇ ਕੱਲ ਜ਼ੁਹਰ ਵੇਲੇ ਤੰਡੇ ਦੁਰਲਾਸਨ देसी झिणका शिमर कमी अबास के कटे हुए शानों को देख कर बाली बाली सकीना अपने ਮਕਦਰ ਕੋ ਰੋਏਗੀ ਮਕਦਰ ਕੋ ਰੋਏਗੀ ਸੁਗਰਾ ਨਬੀ ਕੀ ਕਬਰ ਤੇ ਅਕਬਰ ਕੋ ਰੋਏਗੀ ਹਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਲਾ ਦੇ ਗੁਜਦੇ ਤਮੈਂ ਅਕਬਰ ਹਾਏ ਸਾਮਣੇ ਲੈ ਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਰ ਤਬ اکبر ਮੈਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਕਦੀਮਾਇਆ ਕੀ ਮੈਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਕਦੀਮਾਇਆ ਕੀ ਇਕ ਵਾਰ ਤੇ ਕ اکبر ਸਾਮਣੇ ਲੈ ਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਬੈ ਅਕਬਰ ਮਰ ਜਾਵੀ ਮਾ ਨ ਜਾਵੀ ਨ ਪਿਉ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੀ ਮਰ ਜਾਵੀ ਮਾ ਨ ਜਾਵੀ ਨ ਪਿਉ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੀ ਤੇ ਡੇਬਾਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ बाजु आसादे कोल कोई नयू रेडी अकबर सामने लेला दे दे कुछ अकबर देता एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं तो वेलकम बैक जनाब और आपको एक दफा फिर से इस नशस्त के अंदर जो हमने आज रखी है दस महरमल हराम की वजह से हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है नॉरिद साहिबा जिस तरह अभी गुफगू हो रही थी एक दिल वाले इंसान जो जज्बात रखता है मुश्किल हो जाता है आ, संभालना सो बतौर एक माँ वैसे ही सुनना भी मुश्किल हो जाता है सो so, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो खुतिन वहाँ पर मौजूद थीं उन खैमों के अंदर उनकी तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बच्चों को देखना फिर उनकी हिम्मत बढ़ाना फिर अपने आ, उन भाइयों की शहरों की हिम्मत बंधाना और फिर उसके बाद जब वाक़ करबला बरपा हो गया फिर इकट्ठे होकर निकलना एक ताकत बनकर उस पर रोशनी डाली इखरा किसी ने मेरे आपके ही जज्बा की तरजानी करते हुए लिखा था किसकी यहाँ किस जबान में लिखूँ आज अल्फाज आप दीदा है आ, आ, आप देखिए कि कानून है दुनिया का कि जंग हमेशा अफवाज लड़ा करती हैं और किसी ने लिखा कि मैंने तारीख में अहवाल पढ़ा है लोगों जंग जैसी भी हो वो फौज लड़ा करती है उसमें छः माह के लिए असकर सलाम नहीं होते उसमें पाँच साल की प्यासी सकीना नहीं होती उसके अंदर जो हैं अभी एजर्स हैं ओन मोहम्मद वो नहीं होते और फिर वो मुखद्र आतेमत मैं यहाँ ये यह समझती हूँ कि पुराने पाक के जिन मफहम को हम बात कर रहे थे कि आप इम्प्लीमेंट करने के लिए तशरीफ़ लाए थे उनमें बकरा की वो जो आया है करीमा वामा रज़क नाहमयनफिक यही वो लोग थे कि जो क्याम नमाज वाले थे जैसे मैंने शुरू में सरा कौसर का हवाला दिया कि जब इन्ना आतना कल कौसर का हवाला इस घरानाने को मिल गया तो उसके बाद फिर फसल लीली और अबी का वनहर भी इन्ही की शान थी और इन न शानिया का हुआ लबतर वो भी इन्हीं की शान है जिन्होंने बज़ाहिर पानी पिया जो इकतदार में थे वो तो मर गए लेकिन जो प्यासे रहे वो ता तायामतर जिंदा ता और जावेद हैं उनकी कुरबानियाँ जिंदा हैं और जब औरत की बात आती है तो लोग कहते हैं सिनफ नाजुक ये अक्सर हम सुनने को जो है हमें ये जुमला मिलता है हाँ होती है सिंफ नाजुक लेकिन हर मामले के अंदर नहीं पेन बेरिंग कैपेसिटी जो है आ, ये आज की मॉडर्न तहकीक ने यह साबित किया है कि वो एक औरत के अंदर मर्द से कई गुना ज़्यादा होती है लेकिन मैंने करबला को जब पढ़ा तो मैंने ये देखा कि सब्र को भी मकाम अरूज तक पहुंचाने वाली वो ख़ात थी जहां बड़े बड़े मर्दों का पिता पानी हो जाता वहां उन्होंने जहां शुक जहां मामला सब्र का था वहां फिर शुक्र करके दिखाया क्योंकि किसी यारे। ने कहा था कि ये इन तमाम लोगों ने जो है वो चाहा क्या था कि नमाज को ख़त्म किया जाए इन्होंने चाहा क्या था आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म किया जाए मगर राख खैमों की कुरेदी तो मुसल्ले निकले सैदा जैनब अलैहा जो कि इस काफ़ले की सालार हैं बाद जिमाम आखिर में जो नवी की रात जो शब आशूर है आपने जो वादे लिए उनमें एक वादा क्या था कि मेरी बहन मेरे बाद तुम इस काफले की सालार होगी देखना जैनलाबिदीन सलाम बीमार हैं उनका भी ख्याल करना है और बाकी तमाम लोगों की भी सालारी और क़्यादत आपने करनी है लेकिन वादा कीजिए आप वही सब्र का मुजाहरा करेंगी जो हमारी वालदा ने बाद मुस्तफ़ा किया था और फिर वो सब्र हमने देखा फिर ना सब्र का दामन छूटा ना पर्दे का ना नमाज का खेमों को आग लगाई गई और ये मुखद्रा इस वक्त एक खैमे से निकलती और दूसरे में सर छुपाती फिर जब उनको भी जला दिया गया तो एक खैमे को बार बार आप जा रही हैं उसके अंदर और तीसरी दफा जब गई हैं तो आपके कंधे के ऊपर आपके भतीजे सैदना इमाम जैनदीन आसमाम थे इन्होंने साबित किया कि मैं ही बादस हुसैन हुसैनी काफले की सालार हूँ किसी ने कहा था कि करबला हदीस इश्क दो बाबस्त करबला दमश्क य यके हुसैन कर दो दी गरे जैनब जब सैदा रुबाब मदीना से निकली हैं तो अभी चंद दिन के हैं सैदना अली असल आप भी एक माँ हैं मैं भी आप मुझे बताइए क्या जो है डिलीवरी के बाद एक औरत छः दिन की मुसाफत बर्दाश्त कर सकती है पैदल वो भी आम रास्ते से मदीना से मक्का जाना फिर शेब अभी तालिब के वो साढ़े चार महीने फिर उसके बाद ये बीस मंजिलें और इन बीस मंजिलों पर प्यास शिद्दत गर्मी और एक चीनी मोरिक लिखता है कि आठ दुश्मन थे एक ना कहो चार तरफ से तो फॉज किया है ऊपर से सूरज जो है यू लगता था सवाने पर है और जब सूरज रेगिस्तान में तपता है तो जमीन दहकते हुए अंगारों में बदल जाती है फिर प्यास और फिर भूख वो जो पानी जानवरों के ऊपर खुला था दरिंदों चरिंदों के ऊपर खुला था वो पानी आल रसूल सलम पर बंद किया गया तो जहां सब्र अपनी महराज को पहुंच रहा था वहां जैसे काजमी साहब ने जिक्र किया सलाम का तो मैं एक चीज आज के दिन की निसबत से ज़रूर कर दूँ कि आज भी तारीख को मस्त करने की कोशिश की जाती है लोग कहते हैं ना कि करबला की जंग खत्म हुई जंग खत्म नहीं हुई नस्ल यजीद आज भी इख्तरात निकालती है वो मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं इन सख्तियों को और वो ये कहते हैं कि ये तो गर्मी का मौसम ही नहीं था फिर जो पन पानी बंद किया गया उसका तो कोई लॉजिक नहीं और साथ ये भी साबित करने की कोशिश करते हैं कि इमाम अली मकाम ने पानी मांगा पानी नहीं मांगा आज मैंने इसको भी कासिम जन्नत और मैं कासिम जन्नत क्यों कहती हूँ मेरे नबी सलाम ने खुद इर्शाद फरमाया कि ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं छह आपने जन्नत के मालिकों को गिना कि मैं अली और फिर सैयद ना जाफर आलम सैद ना और हसन हुसैन ये छह जन्नत के मालिक हैं तो ये मालिके जन्नत हैं जन्नत तकसीम करने वाले बांटने वाले अलाट करने वाले हैं लेकर गए कि शायद मेरे अली अकबर की उठती हुई लाश इन्होंने नहीं देखी कि मेरे बाल कैसे सफेद हुए इन्होंने ये नहीं देखा मैंने ओनो मोहम्मद की लाशों को कैसे उठाया मैंने शबी मुस्तफ़ा कासिम को कैसे उठाया मैंने उन बहत्तर की कुर्बानियाँ कैसे दी आज में इतमाम करने जा रहा हूं और जो पानी मांगा उसके बाद जैसे बात कर रहे थे वो तीर ऊंट को नहर करने के लिए इस्तेमाल भाई किया भाई। जाता है उस मां का हौसला देखिए जो कहती है और मला बदबخت तुझे इतने कम सिंह मुजाहिद के लिए इतना बड़ा तीर दरकार था कि जो ऊंट को सबसे बड़े ऊंचे जानवर को नहर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फिर आपने वो खून सैदन अली असर सलाम हाथ में लिया और मैं कहती हूँ वो जो किसी ने लिखा था ना कि हर दाना मेरे हुसैन का है, मेरे का है और जो खिलाना मेरे का है, उसका क्या है? कि जब आपने हाथ जोड़ दिए क्या इमाम वक्त अगर आपने ये खून मुझ पर डाल दिया ये कुर्बानी, ये शहादत ये, ये मुजाहिद इतना बड़ा है कि फिर मैं क्यामत तक पानी नहीं बरसा सकूंगा जब उसको जमीन पर उंडेलना चाहा जमीन ने भी जी का इजहार किया आपने उसको अपनी दाढ़ी पर खजाब किया और रूए मदीना देखा और फिर कहा नाना जान गवा रहिएगा मैंने अपनी आखिरी कुर्बानी भी अल्लाह की रजा की खातिर पेश कर दी वो जो तस्लीम और रजा का वादा चलते वक्त रोज़ पर हुआ था आपने यहाँ उसका फरमा दिया तो ये कहना कि पानी मांगा पानी तो आप अगर आप चाहते तो आप तो जो है कसीम कौसर थे पानी चलकर आपके कदमों में आता और फिर रसूल करीम सल वसलम का ये खान वादा कि जिसकी मुखद्रतमत ने जले हुए खैमों के टुकड़ों से अपने सरों को ढांपा आज की औरत जो हम बात कर रहे थे इस चादर की इस कुर्बानी की इस इस तकदस की क्या हया बजा लाती है ये आज सोचने का मकाम है यजीद का दरबार सलाम के खुतबे जैनबे का बाजार सैदा के खुतबे इबन ज्याद का दरबार मदीन मुनवरा आज करबला पहुंचा ही सैदा जैनब के से। तो वो यजीद के दरबार में जो खड़े होकर फरमाया कि शोमी किस्मत कि मुझ जैसी अब फिर इमाम हुसैन सलाम का वही जुमला कि मुझ जैसी को तुझ जैसे बदनिहाद के साथ मुखातिब होना पड़ रहा और ये क्या तेरी तक सीम है कि तेरी औरतें तो अंदर हरम में पर्दे में बैठी हैं और जब मुखदरात इसमत जो नबी के घर की औरतें हैं तो उनको पापरसन करके और बेकजावा ऊंटों के ऊपर बाजारों से फिराकर और तू बदब्त बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाला है मगर तू हमारी मुहबत को लोगों के दिलों से खत्म नहीं कर सकता इन खुत ने और खास तौर पर सैदा जैनब सलाम्ल ने अपने खुतबाद के जरिए उन कुर्बानियों को जिस तरह जिंदा रखा मैं समझती हूं करबला इकसठ हिजरी दस मुहर्रम के बाद से लेकर अब तक सैयद के खुतबात पर खड़ा है उनकी उस दलेरी पर खड़ा है उनकी सुजात उस, उस सब्र उस हौसले पर खड़ा है जो आज की एक मुसलमान औरत को अपनाना चाहिए और हम माए हैं हम क्या किस तरह की उम्मत प्रोड्यूस कर रही हैं इकबाल ने फरमाया था कि तवाना तंदरुस्त मुसलमान और जरी और गयूर मुसलमान पैदा करना एक माँ की गोद की जो है वो जिम्मेदारी है। बाश अजी असर कि दर हम जो भाव से, वाली, से, वाली, से, वाली, हम से से डराने डराने वाली वाली अंधेरे हैदा लैला का हौसला था सैयदा रुबाब कैसे सैयदर को तैयार करती है ये वो माए है जिनका किरदार आज हमें याद करना है जिनकी कुर्बानियों को आज हमें अपनाना और सलाम पेश करना है बिल्कुल जनाब और ये हौसला ही है और वो किसी ने बड़ा खूब कहा है कि सर हुसैन मिला है यजीद को लेकिन शिकस्त है फिर भी झुका हुआ ना मिला फाहद क्या कहेंगे आपरा एक तो स्टूडियो की खास फजा बन गई है और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि ये जो गम है असल में इसको अपना समझें प्रोफिट सली वम की फैमिली है इसको बेगाना ना समझें और बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि शायद ये रवायात खाली खुली ऐसी पढ़ दी जाती हैं ये हमारी उम्मत के जो मोतबर तरीन सोर्सेज हैं जरीर तबरी इन रवायात को लेके आए अलबदाया व नहाया में हाफिज इमादुद्दीन कसीर लाए अलका कामिल फिर तारीख़ के अंदर इबन असीर ले कर आए जलालुद्दीन सयूती अपनी किताबों के अंदर लेके आए तो ये जितनी नरेशनस हैं हम अक्सर ये मगालता लोगों को लगता है कि शायद ये किसी ख़ास ग्रोह की तरफ़ से ये रवायात आ रही हैं ये रवायात उमत मुसलमा के मोतबर तरीन हिस्टोरिक हिस्टॉरिकोरस के अंदर मौजूद हैं मजालिम की ये मोतबर तरीन सोर्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं इन सोर्स से जब ये रवायात हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए क्या इस गम को हमें अपना गम नहीं समझना चाहिए दिल की खिड़कियों को खोलना नहीं चाहिए ये सैदा ज़ैनब सरकार दो आलम की नवासी हैं इमाम सरकार दो आलम के नवासे हैं तो इस एहसास के साथ ज़रूर एक ह्यूमन एंगल के साथ जहाँ पे करबला की फ़िलासफ़ी है जिस पर मैं भी थोड़ी सी गुफ्तु करने की कोशिश करूँगा जहाँ पे फ़िलासफ़ी है जहाँ पे सकाफत है जहाँ पे कल्चर है जहाँ पे दीन है वहाँ पर एक एहसास का भी नाम है और उस एहसास को हम जिस माशरे के अंदर रहते हैं उसको डिमीन और मिनिमाइज करने की डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है के साथ जिन पे अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत का इजहार बारहा किया है बेशक बेशक तो ऐसी मेरे जब ये आपा बहुत ही खूबसूरत गुफ्तू कर रही थी अन लाइन सलामत रखे काजमी शाहब को प्रोफेसर साहब को तो मुझे इफ्तार आरफ़ साहब के ना वो अशार याद आ रहे थे शरफ़ के शहर में हर बामोदर हुसैन का है शरफ़ के शहर में हर बामोदर हुसैन का है जमाने भर के घरानों में घर हुसैन का देशा। है, है। फ़ुरात वक्ते रवा देख सुए मक्तल देख ये जो जमाने की प्लस माइनस है जरा देखो मक्तल की तरफ फ़ुरात वक्ते रवा देख सुए मक्तल देख जो सर बुलंद है अब भी वो सर हुसैन का है जो सर बुलंद है अब भी वह सर हुसैन का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट शेर और बहुत ही खूबसूरत शेर क्योंकि उस वक्त बहर आल में ये जानना चाहिए और इसको मानना चाहिए कि हर कोई इमामे आली मकाम की दलेरी बहादरी सरकार की हदीस है एक वैसे वे। कि आका ने कहा कि हसन को मैंने अपना हिल्मा किया हुसैन को अपनी शिजात अता की एक रवायत के अंदर ये इस तरह से भी अल्फाज आते हैं तो जिसको आका आकात वसलाम ने अपनी दलेरी और बहादरी दी हर कोई उस लेवल पर तो नहीं था ना तो शायर ने इस ख्याल को बांधा है सवाल सवाल बैत शमशीर पे जवाज़ बहुत बहुत सी एक्सक्यूजेज हो सकती हैं कि भाई अब तलवार आ गई है तो क्या करें सवाल बैत शमशीर पे जवाज़ बहुत मगर जवाब वही मोतबर हुसैन का है जब तलवार से कोई बैत करेगा तो जवाब किसका मोतबर है एतबार किसका करना है हुसैन अबन अली का करना है अगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन सलात अलसलाम इनकार ना करते ये दुनिया के अंदर ये खड़े ना होते स्टैंड ना होते तो दुनिया भर की तारीख में उठा लें हुसैन इस तारा बन गया है बातिल को चैलेंज करने का वो नेल्सन मंडेला वो साउथ अफ्रीका की जेल के अंदर उनतीस साल जिसने जेल काटी है और उसने अपनी अपनी बायोग्राफी के अंदर ये ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखा है कि एक वक्त आया मैंने सोचा मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूँ ये जो अपाथीड है ये मैं वाइट ये जो रेस है इनके साथ मैं समझौता कर लूं और फिर मुझे याद आया हुसैन हुसैन ऑफ ऑफ मुस्लिम्स मुस्लिम्स कि मुस्लिम्स के सामने भी यही इसी तरह के क्रॉस रोड के ऊपर था उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था हुसैन अली ने मुझे ये जीने का हुनर सिखाया और उनतीस साल में जेल में रहा तो सवाल बेत शमशीर पर जवाब बहुत मगर जवाब वही मोतबर हुसैन का है और ये जिसके लिए आज की ये महफिल हमने सजाई है मतलब ये बड़ी आम बात है असल में तो देखे इमाम आली मकाम का जिक्र अरफा बुलंद हम कौन हमारी मजाल क्या लेकिन हम क्या चाह रहे हैं किसी फहरिस्त में कहीं अगर कोई रिपोर्ट कार्ड आगे पेश हो जाए शाफ मह अली कहें के ये शख्सूर शाफे महर अली कहें कि ये शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का आला। है आला। लेकिन हम उस रिम्बरेंस के लिए आए हैं और आज इकरा दस हराम को इमामी आली मकाम ने खुतबा दिया है उस खुतबे को ज़रूर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा इमाम अल्लात वसलाम ने जो हजरत को तमाम किया है और चार लेवल्स पे गुफ्तू की है सबसे पहले रबुल्ज़त की हमद बयान की है अलामा जरीर तबरी बयान करते हैं अलबदाया नहाया में है तारीख के दीगर सोर्सेस के अंदर है इमाम आली मकाम ने उस रोज अल्लाह रबुलजत की जो तौहीद और मारिफत के अंदर बात की है वो लोग कहते हैं कि इट वॉज बियॉन्ड वर्ड्स। ना पहले कभी ऐसी हमद की गई ना बाद में किसी ने की आपने पहले हमद की है अपनी नस्बतों का बयान किया है अपने कैरेक्टर को प्रजेंट किया है सहाबा कराम को बतौर दलील पेश किया है मैं अभी उसके फिक्रे आपके सामने रखूंगा और फिर शरीय सरकार दो वसलम को रखा है जब ये इस लेवल के ऊपर है रिबाम ने खुतबा दिया पहले हमद बयान के फिर अपनी नस्बत लोगों इस दुनिया में क्या मेरे अलावा तुम्हारे नबी का कोई और नवासा मौजूद है क्या मैं वो नहीं कि मेरे नाना सरकार दो आलम सल्ला वसलम क्या मैं अली ने अबी तालिब जो नबी अलैहि वसल्लम के वज़ीर हैं क्या मैं उनका बेटा नहीं क्या मैं फ़ातिमा ताला लेहा जो ख़ातून जन्नत हैं उनका बेटा नहीं क्या अमीर हमज़ा मेरे वालिद के चचा नहीं थे क्या जाफर तैयार दो परों वाले जो जन्नत में उड़ते हैं क्या वो मेरे चचा नहीं हैं क्या आलम ने मेरे और मेरे भाई के बारे में ये नहीं बताया था कि ये दोनों सैयदा शबाब अहले जन्ना है जवान जन्नत के सरदार हैं और फिर जब ये सारी नस्बते बताई तो फिर कहा कि लोगों में सच बोल रहा हूं और मैं उस वक्त से सच बोल रहा हूं जब मुझे ये पता चला कि झूठ बोलने से अल्लाह नाराज होता है यह आपका जुमला है और फिर आपने फरमाया अगर अब भी तुम तो मेरे इन कलेमात पर एतराज करो

हलचल थी कुफार की उस फौज अशिकिया की फौज में और उसने कहा इमाम आली मकाम इमाम को नाउजालमिलियेट करने के लिए कि ये, ये हुसैन इबन अली ये तो एक रुख से खुदा की बात करते हैं हम जिस तरह आपस में नहीं कहते कि ये बड़ा वन साइड नैरेटिव है तो उसने ये जुमला बोला वहां पर कि यह तो एक रुख से खुदा की बात करते हैं अलामा जरीर तबरी ने रिकॉर्ड किया अलबदाय वहाया में भी है तो वहां पर हबीब अपने मज़ाहिर खड़े हुए और उन्होंने जलाल में आके कहा कि तू नवासे रसूल को यह कहता है कि तुम यक रुखे हो तुम एक रुख से अल्लाह को पहचानते हो क्या तुम सत्तर अल्लाह को पहचानते हो और इमाम अली मकाम ने फिर अपने खुतबे को रिज्यूम किया वहां पर इमाम अली मकाम ने जब अपनी नस्बते हाबा कराम कर वो सारा अपना कैरेक्टर सच्चा होना वो बताया तो उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा मुझे ये बताओ मेरे कतल के दर पे क्यों हो क्या मैंने तुम में से किसी का कत्ल किया है क्या तुम में से मैंने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है क्या तुम में से मैंने किसी को जख्मी किया है कि तुम मुझसे किसास लेना चाहते हो शरीत मोहम्मदी सलाम का कानून पेश कर दिया कि जुल्म का कभी को कोई जवाज़ होता है कोई जबते होते हैं और इसके बाद इमाम अली मकाम ने उन लोगों को एक्सपोज किया जिन्होंने इमाम को लेटर्स लिखे थे और वो इस वक्त यजीद और इबन जयाद और अमर इबन साद की मलून आर्मी के अंदर मौजूद थे और इमाम आली मकाम ने कहा कि उन लोगों के नाम लिए ए बी सी क्या तुम लोगों ने मुझे खत नहीं लिखे थे क्या तुम लोगों ने मुझे बुलाया नहीं था कि हमें एक इमाम की जरूरत है हम यजीद और उसके गवर्नर के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहते आप आए फल पक गए हैं मेवे पक गए हैं आप आए हमें लीड करें जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन आसाम ने अल्लाह की हम अपनी नस्बतें अपना कैरेक्टर अपनी नबी सलील वालम की शरीयत साहबा कराम को बतौर दलील और किसास के अहकाम और फिर उन लोगों को एक्सपोज़ किया तो फिर आपने कुरान की आयत की तलावत की जो इस तरफ इंदिया दे रही थी कि हक़ वाले कौन होते हैं और मुनाफ़ीन कौन होते हैं। और इसके बाद ज़ुहैरब ने कैन ने खुतबा दिया और फिर वह मलऊन अमर साद ने पहला वो तीर चलाया है और उसने कहा लोगों गवा रहना आज की जंग का मैं बाबा तौर पर आगाज कर रहा हूँ तो इमाम अली मकाम तो मज़लूमियत का इस है अदलो इस्तकामत का इस है दलेरी का इस है और मेरा इमाम नवास रसूल वो डरा नहीं है इतमाम हज ज़रूर की है कि इमाम के खून से उनके खान वादे के खून से ना हक कोई हाथ ना रंगे और कल को ये डिफेंस ना ले कि हमें तो पता ही नहीं था ये तो महज हादसा था हमें तो पता ही नहीं चला सामने लोग कौन थे आ, वी विश हमें पता चल जाता तो हम ये काम ना करते तो इमाम अली मकाम ने रोजे आशूर इसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एक्सपोज किया और जैसे आपा ने यहाँ पर बिल्कुल बजा तौर तो पर फरमाया कि उस अलम को उस अलम को बीबी सैदा जैनब ने उठाया है कोफा में और यजीद के दरबार में और जब खिताब फरमाया है तो यूं लगा है कि जैसे एक दफ़ा फिर अलीब ने अभी तालिब खिताब कर रहे हैं उनके लहजे में वो हैदरी जलाल था और यजीद के दरबार में एक सन्नाटा था तो आज हमें हम सब को हम वी आर हेयर इन दिस प्रोग्राम व्हाट्स व्हाई वी आर हेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ इमाम हुसैन आल्सो जब हम रो रहे हैं ये भी एक फितरी बात है हम गम कर रहे हैं बट We also want to follow और वो मैसेज क्या है कि नबी सीन इम्प्लीमेंट होगा और मलुकीयत को हम हर हाल मेंत को हर हाल में हर फॉर्म में हम चैलेंज करेंगे और चैलेंज करने के लिए हमें तैयारी करनी होगी बिल्कुल सही बिल्कुल सही कोशिश हम कर सकते हैं लेकिन उस लेवल तक तो नहीं पहुँच सकते लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो करें एज ए ने एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं आपको एक मरतबा फिर से वेलकम करते हैं और ये खसूसी नशरत दस महरमल हराम की नस्बत से आज हमने हम्म की है नासिर साहब अगर आज के दौर के अल्फाजों को ज़रा चुना जाए ना तो अगर हम ये देखें कि हकूमत के लिए ताकत के लिए एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है सो एक्चुअली यजीद को वही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए था जो कि उसको नहीं मिला और ज़ाहरी तौर पर उसको ये लगा कि उसकी फतह हो गई है लेकिन क्या ही बदकस्मती है कि आज भी अगर किसी फरौनीत की मिसाल देनी हो तो उसको यजीद कहा जाता है और सबर की मिसाल देनी हो तो इमाम हुसैन का जिक्र किया जाता है बहुत खूबसूरत आपने बात की और इसमें कोई शक नहीं है दरअसल उस उस म ने वहाँ पर म की इंतहा जितनी इंतहा थी सारी ख़त्म कर दी आप अंदाज़ा करें ना कलमा गो नमाजें पढ़ने वाले लोग कुछ अब की औलाद रसोल्ला के करीब तरीन जमाना हज़ू सलाम तो के वाल पाक के सिर्फ पचास साल बाद का ज़माना है और ये वो लोग हैं जो उस बेहतरीन ज़माने में रह रहे हैं बेहतरीन ज़माने में रहने वाले बुरे लोग बदतरीन होते हैं बेहतरीन ज़माने में रहने वाले जो बुरे होते हैं वो बदतरीन होते हैं उन्होंने ये इतने बदतरीन लोग थे कि वो रसोल सानवर को ज़िबा करने के भी ऐसो पीस दिए अभी एक महीना हुआ ईद ईद गुजरी रसोल्ला ने फरमाया उसको पानी दे पिलाओ उसे कुछ खिला लो आका ने फरमाया एक जानवर के सामने दूसरे को ज़िबा ना करो इन जालमों ने सारे ऐसो पीस ख़त्म कर दिए रसोल्ला के बेटे की दफ़ाज़ूर सलाम के अपने बेटे की दफ़ा और इस हाल में कि खुद रसोल्ला भी देख रहे थे एक रह बहन मैं ये बात कहूँगा ये इम्तिहान इमाम हुसैन का भी था और ख़ुद रसोल्ला का भी इम्तहान था कर तो शायद अल्लाह से दुआ मांगते तकदीर बदल देते सुने ना हाँ। करबला खुद रसोल्ला का इम्तिहान था इमाम हुसैन बच जाते दीन नहीं बचना था अगर कोई मोजा या करामत हो जाती अगर कोई कोईजा या करामत ये बात भी मेरी नोट रखें कोई मोजा या करामत हो जाती इमाम बच जाते लेकिन दीन नहीं बचना था Allah. दीन को खून हुसैन ने बचाना था दीन को अली असगर के खून और अली अकबर के खून ने बचाना था दीन ने बचना इसी मजलूमियत के साथ था और ये मजलूमियत दीन मुस्तफ़ा की ताकत बननी थी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद थे करबला में सही रवायात के अंदर मौजूद है ये बात ये कोई ऐसी यानी जज्बाती या कोई खुतबा का रंग भरा हुआ नहीं है खुद सही रिवायात में हज़रत अदर सीद में तआला तह ने मदीना में हज़रत अब्दुल्ल इबन अब्बास ने तक् में ख्वाब देखा और तमाम महदसन आज के दिन तक आफि ज़ुबैर लिजईानी हदीस तबका के महदसन है इन अहादीस को सनदन व मतन सही गर्दानते हैं कि इन्होंने ख्वाब में देखा रसोल्ला सल वसलम को अला वब सरे अनवर पर दबारक पर गर्द वबार है वहीफिया दमन हाथ में एक शीशी है जिसमें खून है पूछते या रसोल्ला मालक है या रसूल आका ये क्या हुआ तो आपसैन तो का रोना बर्दाश्त नहीं फरमाते थे Allah. ये भी सही रिवायात है इमाम तबरानी स्कूल आए मौज में हजूराम साहबा के दरम्यान बैठे थे और रोने की आवाज आई हजरत इमाम हुसैन आसलम की तेजी से आकाम के जाके पूछा फातिमा मेरी बेटी हुसैन को किसते रुलाया खेलते हुए फरमाया ना उसन का रोना मुझे तकलीफ देता है यम शियान वयान चलते लड़खड़ाते हुए हजूर आलम अपना खुदबा छोड़ के जाके हसनैन को उठा के आके बिठाते है जो हजूराम गुफ्तु कर रहे थे अगर वो दीन थी तो ये जो अमल कर रहे हैं आका ये दीन नहीं है मेरे मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जाके हुसैन को उठा के अपने पास बिठाया और सजदे में जब इमाम हुसैन हज़ूराम की पीठ पर सवार हो गए हज़ूर सलाम ने सजदे को इतना तवील कर दिया साबिक कहते हैं या रसूल अल्लाह हम समझे शायद वफात हो गई इतनी लंबा सजदा आका ये क्या हुआ हज़ू सलाम ने इरशाद फरमाया इन लम यकुन कदाल ऐसी बात नहीं थी इन नबनी हाजा इरतहाला मेरा ये बेटा मेरी पीठ पर सवार हो गया था फ़कर अन अनु हत्ता हूँ हत्या मुझे बुरा लगा कि मैं जल्दी करूं जहां तक कि हुसैन अपना शौक ना पूरा कर ले ये तो हुसैन जिनको प्यास हुई हज़ूर सलाम रास्ते में थे रास्ते में तो शहजादों को रोने की आवाज़ आई पूछा फ़ातिमा मेरी बेटी क्यों रो रहे हैं शहजादे अर्ज़ की बाबा जान प्यासे हैं हजूर सलाम सारे खैमों में लोगों से पूछते थे ये किसी सफ़र की बात है फरमाया किसी के पास पानी है लोगों ने अपने मशक्ज़ें उल्टा दी आका किसी के पास पानी नहीं है आका सलाम उस दिन इतने इतने बेचैन थे साबा कहते हैं हमने हजूर आलम को इतना बेचैन कभी नहीं देखा बिलाखिर हसनैन को अपने सीने से लगाया दोनों को अपनी जुबान चूसवाई वो खामोश हुए तो रसोल्ला की बेचैनी गई अब इतनी मोहब्बत फरमाने वाले ये रसोल्ला अपने बेटों को खुद करबला में गिरता देख रहे हैं रसोल्ला हुसैन के हाथों में उनका बेटा अली असगर भी देख रहे हैं अली असगर की लाश उठाई हुसैन ने रसूल्ला खुद देख रहे हैं आकाद जहाँ सल्ला वसम इनको अपने भाई अली अपने भाई अब्बास की लाश से लिपट कर रोता भी देख रहे हैं ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सलाम का इम्तहान था और यकीन रसोल्ला सल्ह वसलम का सबर अल्लाह ने ज़िंदगी भर भी उस पर आजमाइश आई और करबला भी रसूलुल्लाह की आजमाइशों में से कितनी आजमाइश थी आकायद जहाँ सल्ला वसलम देख रहे थे बाकी हर शहीद की शहादत पर फरिश्ते हाजिर होते हैं मशहूद बिल मलाया होती है फकत हुसैन है जिनकी शहादत मशहूत बिन नबी थी सल्लल्लाहु सल अल्लाह अल्ला। सल। अल्ला। और जब सारी शहादतें हो गई यहाँ से निकले रास्ते में कुमिश्क के बाजार में किसी ने आके इनको खजूरें दे दी लोगों ने समझा कह दी है किसी को काम ही पता था अले बेते अतार के अफराद हैं कौन है किसी ने सदका खैरात जैसे व मुर व वीरा उनका Allah. कह दी है खाना दे दें किसी ने खजूरें ला के दी सईदा सुकैना बची हैं छोटी सी भूख लगी थी खजूर उठा के अपने मुंह में डाल ली सईदा जैनब ने देखा तड़प उठी और जाके उनके मुंह से निकाला फरमाया बेटी हम लोगों का सदका नहीं खाते Allah. हम पहले बहते मुस्तफ़ा पर सदका हराम Allah. है मेरे बेटे हम ये नहीं खाएंगे और जब उधर शाम बाजार में इनको एक जगह पर उन्होंने कनाते लगा के बिठा दिया और शोर मचा हुआ था हर तरफ कैदी आ गए कैदी आ गए कैदी आ गए रोज़ाना का मामूल था वहाँ पर रोज़ाना का मामूल था ज़ाहिर है ये कैदी आते थे वो कैपिटल था लोग वहाँ पर बैठते थे ये जीत का दरबार था जब वहाँ पर पहुँचे किसी ने आके सराने तकिए चादरें दे दी चादरें ला कर दी हज़रत सीदा जैनब कहने लगी तो सराहने लाने वाले को ये कौन है जो हमारे साथ इतनी नेकी कर रहा है तो किसी ने कहा एक बूढ़ी औरत है मोहल्ले में रहती है जब कभी को कैदी आती है तो वो उनका ख्याल रखती है फरमाया मुझे उससे मुलाकात करवा दो एक बूढ़ी स्या रंग की कमर झुकी हुई कमर खमीदा एक औरत लाई गई आपने उससे पूछा बीबी हम कमजोर लोग हैं कैदी हैं तुम हमारे साथ नेकी क्यों कर रही हो कौन हो उसने कहा बीबी मुझे नहीं पता आप लोग कौन है लेकिन मैंने जवानी मदीना में रसूलुल्लाह की बेटी सईदा फातमा के घर में गुजारी है <laughs> मैं फिजा हूँ रसूलुल्लाह की बेटी की खादमा हूँ के नवासों को सईदा फातमा के बेटो हसन हुसैन को नहलाती थी जैनब को खिलाती थी जब सईदा का विसाल होने लगा था तो आपने फ़रमाया था मदीने में न ठहरना तुम चूँकि हबशा की हो वहीं चली जाना और एक मेरी नसीहत याद रखना जब कभी कोई कैदियों का काफिला आ जाए उससे नेकी कर देना मैं तो अपनी मालिकान के हुक्म की तामीर कर रही हूँ जो भी कोई आता है नेकी कर देती हूँ सही जैनब उसे पहचान गई ये तो हमारी वो खादमा है जो बचपन में हमारा ख्याल रखती थी फरमा लेकिन ज़ाहिर नहीं उन्हें दिया फरमा बीबी हम कैदी लोग हैं बताओ क्या तुम्हारे हक में दुआ कर सकते हैं उसने कहा कि बस एक दुआ कर दें मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं रसूल के हसनैन की जियारत नहीं कर सकी मैंने सुना है हसन को किसी ने शहीद कर दिया हुसैन और जैनब जिंदा है बेटी दुआ करो मुझे उनकी जियारत हो जाए सीधा जैनब फरमाने लगी बीबी तेरी दुआ कबूल हो गई तेरे सामने बैठी जैनब है और वो निजे पर हुसैन <laughs> फिर यही सईदा फिजा ने जजीद के दरबार में भी बहुत बहादरी के साथ गुफ्तगु की और जब बोली उन्होंने कहा तुम्हें मालूम नहीं जे जिनको तुम कैदी कह रहे हो खबरदार इनको तुम ये जो दोनों जानों के बादशाह की औलाद है और दोनों जानों के बादशाह हैं यजीद ने कहा पकड़ो इस बुढ़िया को जब पकड़ने के लिए निकले ना तो कई हबशी फौजी हाँ। वो तलवारें लेके आगे आ गए उन्होंने हाँ कहा खबरदार ये फिजा हमारे खानदान की कबीले की किसी ने इसको हाथ लगाया यजीद ने देखा हालात खराब हो जाएंगे उसने कहा पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ जब बैठ गए सईदा जैनब आपकी चीख निकल गई मदीने की तरफ रोख किया आज हबशा की बेटी फिजा के लिए तलवारें उठ गई आपकी बेटी के लिए कोई तलवार नहीं उठ रही <laughs> ये फास काफला ऐसे ही मदीने आया और मैं कई बार सोचता हूँ इन्होंने तो हर किसी को बातें सुनाई होंगी हर किसी को बातें सुनाते थे इमाम जैन से किसी ने पूछा था इमाम आपको मुस्कुराते कभी नहीं देखा कभी आप मुस्कुराए नहीं है क्या वजह है आपने फरमाया रोते क्यों हैं आपने फरमाया मुझसे मेरे रोने की वजह पूछते हो ना जाओ कुरान पढ़ो अदरत याकूब से पूछो सहीदना याकूब से पूछो उनका एक यूसुफ गुम हुआ था और कुरान कहता है वब यत आई ना हो मिनल हसन फ कजीम रो रो के अदरत याकूब आसलाम ने अपनी आँखें सफ़ेद कर ली थी एक यूसफ गुम हुआ तो याकूब इतना रोए मैं तो मुस्तफ़ा के सारे यूसफ गुम कर लेकिन किरदार क्या है ये इमाम Zainul Abidin जब आपके सामने कातिली ने हुसैन में से एक ने आके पनाह मांगी उसे पनाह भी दी उसे खाना भी खिलाया उसे इज्जत भी दी उसे बिस्तर भी दिया जाते हुए कहने लगा इमाम लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं आपने आगा। आगा। फरमाया अपने बाप के कातिल को कैसे भूल सकता है उसने कहा इमाम आपने मुझे पहचान लिया फरमाया हां मैंने वहाँ देखा था तुमने जो जो जुल्म किए थे फिर कहने लगा अगर आपने पहचान लिया तो फिर ये सारी इज्जत अफजाई फरमाया वो कल हम तुम्हारे दर पर थे आज तुम हमारे दर पर हो वो तुम्हारा किरदार था ये हमारा किरदार है Allah. वो जो तुमने किया था वो तुम्हारे साथ था आज हम वो किरदार जो नबवी किरदार जो रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया हम उसका इजहार कर रहे हैं तो आज के दौर में भी ज़रूरत इसी चीज़ की है अहल बैतार की मोहब्बत को अपने सीनों में ज़िंदा किया जाए और बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी सुना कहते हैं जी कि ये बात गलत है कि चादर उतर गई होगी फ़लाँ मैं वैसे मेरा थोड़ा सा गिला भी है मुहदसिन इन चीज़ों को नहीं ला सके हालात अजीब थे गिला तो मैं लफ्ज़ नहीं बोल सकता ना शिकवा हालात ही ऐसे थे नहीं ला सके वरना जिन िमों ने हुसैन का सर काट के नज़े पर उठा लिया उनके लिए किसी की चादर उतारना कोई माना नहीं रखता ये बातें कि जी उनका चादर उतार दी गई ये कैसे मुमकिन है और भाई ऐसे मुमकिन है जैसे छोटे से अली असगर को शहीद कर दिया ऐसे मुमकिन है जैसे इमाम हुसैन के जिसमो पर घोड़े दौड़ा दिए दौड़ाती भी रो पड़े यजीद के दरबार में ालिम जहां तुम छड़ी लगा रहे हो इन होटों को तो मैंने देखा रसल्ह बोसा दिया करते थे इन्होंने किसी एक नस्बत की हया नहीं की किसी एक नस्बत की हया नहीं की इसलिए दुख आता है आज के दिन इमाम हुसैन की तरफ़ देखें तो सर फ़खर से बुलंद हो जाता है और जब कलमा गो मुसलमानों के जुल्म की तरफ देखें तो सर झुक जाता है एक ईसाई मौ... उधर मौके पर मौजूद था उसने कहा हमारी हमारे जकरिया सलाम की औलाद में से पता नहीं कितनी नस्ल के बच्चे हम उनकी इज्जत करते हैं तुमने अपने नबी का सगा बेटा मार दिया अल्ला। अल्ला। ये इसलिए आज के दिन में जितने मुसलमान हमें सुन रहे हैं मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि इमाम हुसैन को अपना जाने और हुसैनी किरदार पैदा करें और जिस जिस अजीम मिशन की खातिर, जिस खिलाफत राशद को बचाने के लिए हुसैन खड़े हुए थे इस बादशाह की नहुसत को उम्मत मुसलमत से हटाकर, दोबारा से फिर वही बरकतें और वो शराइत और मुसलमानों में मशवर के साथ बनने वाली उस हकूमत की तरफ सफ़र करें जिसकी खातर मामे हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी बिल्कुल सही बिल्कुल सही मुकदस ये तो जिस सफ़े को आप पलटेंगे या पीछे करेंगे हर एक में आंसू भी हैं गम भी है नाकबले बयान वाक़ भी हैं सर मेरे पास तो सवाल ही नहीं है क्या कहेंगे आप मैं तो अपने आपकी वसात से इकरा मैम अपने नाजरीन को कहूँगा इस प्रोग्राम को रिपीट कर करके देखें जो जनाब खुदा तो आपकी जो है वो प्रोफेसर नास साहब नुसरत फरमाए जिनाब जमजानी साहब आपको सलाम आपा को खुदा सलामत रखे जिस तरह जिस तर जिस खूबसूरत नुक्तों की तरफ इन्होंने इशारा किया और जो इन्होंने मामलात को उठाया है अगर उस पर सिर्फ थोड़ा सा गौर कर लिया जाए तब से हट के सुन लिया जाए तो मैं कह तुम तमाम बहुत सारे सवालों के जवाब इन्होंने यहाँ पर दे दिए और आप देखें कि बगैर किसी मसल की कैद में रहते हुए बिल्कुल हक और सच और आ, की बात की है और किसी भी ऐसी तारीख का हवा, हवाला नहीं दिया कि जो जो काबिल गिरफ्त हो किसी के लिए इन्होंने अपने मिजाज के मुताबिक और अपने उस दायरे में रहते हुए इन्होंने अपने बीबी अपना मोहतरमा अपनी अब सिर्फ और सिर्फ बात वहीं पे आ जाती है हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ये कम से कम जितने बैठे हैं हम सबके लिए बहुत बा कमाल है अब वो कुर्बानी जिस काम के लिए थी अब हमें वो सोचना है वो था क्या अमर बिल मारूफ नहीं, नहीं, नहीं अब इस बात को सामने रखते हुए कि ये जनाब जंजानी साहब ने बता दिया कि ये कोई इकतदार की जंग नहीं थी सवाल का जवाब बेहतरीन मिला इन्होंने बताया कि नासिर साहब ने कि कहीं मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ कि ऐसे नुकते हैं जिसपे बार हा दफ़ा भी अगर बात की जाए तो शेर असल जो ना वो हम लोगों तक वो पैगाम जो पहुँचा सक रहे हैं या पहुँचा सकें मैं समझता हूँ कि अगर समझ लिया जाए तो काफ़ी हो जाएगी इस नशस्त में जो नशस्त आप लोगों के वसात से गई है मैं समझता तो कि हो सकता है कि इन्होंने फरमाया कि ये को बैठे बिठाए बात नहीं हुई रसालत मां ने गोद में लिया और आंसू बहाए बताया कि इस मेरे बेटे के ऊपर यह जुल्म होगा और वो करबला की मट्टी अब देखें मैं कहता हूं कि मैं किस किस जगह पर आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि मैं अदा करता तो शायद कोई बात और तरफ चली जाती आपने कहा कि रसुल्ला मजूद थे करबला के अंदर वो कैसे कि खाम में जब जनाब बीबी उम सलमा उमोमिन अलैहि तहाम ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि यार सुल्ला क्या हुआ कहा मैं करबला से आ रहा हूं ये कभी नुकता मैंने सुना ही नहीं है कभी आम आ, लोगों से जो जनाब ने बयान कर दिया कि मैं करबला से आया हूँ ये खाक कहा ये खाके करबला है और देख उम सलमा जो तुझे मट्टी दी थी देख जब उठी उस तो मट्टी को देखा तो वो सुख हो चुकी थी कहा कि ये जब और देखिए इसमें भी रसालत माप की लोग कहते हैं कि खबर गायब की गया अगली खबर हम इस मामले में नहीं पढ़ते लेकिन इतना पता था कि उम्मे सलमा रजी अल्लाह तला उस वक्त तक जिंदा रहेंगी जब तक जब तक वाक करबला होगा ये उस वक्त मौजूद होंगी तो उन्हीं को बाकी भी मौजूद थी उस दौरान लेकिन दिया जनाबे वो जो करबला की खाक थी वो किनको दी जनाबे का मतलब यह है कि आप सोचिए कि ये कोई बैठी बैठाई बात नहीं हो गई बाकायदा तौर पर रसालत माप जो है वो बताते रहे कि ये जुल्म होगा इस तरह जुल्म होगा ऐसे जुल्म होगा तुमने क्या करना है तुमने कैसे साथ देना और फिर जनाबानी साहब ने जो फरमाया कि वो Uh, uh, सरकार uh, ने जब uh, ये हुज्जत तमाम की खुतबा दे के खुतबा दिया आपने हुज्जत तमाम के मैं कौन हूँ ये ना तुम कह देना कि आम तो जानते ही नहीं थे कि सामने वाले कौन हैं सारी दलील के साथ बात की और मैं यहाँ पे एक नुकता मैं कहता हूँ जो आपने दे दी मैं अभी तक मस्त हूँ उस जो है वो आपकी खूबसूरत बातों में एक और बात कुराने मजीद की मैंने आयत इब्तदा में पढ़ी इन्ना पड़ी बैठी का इरादा है कि उसने समझिए रिज को दूर रखा है।, है अब गोया के अल्लाह का इरादा कुरादा है मैं कहता हूँ बड़े प्यार और बड़ी मोहब्बत से यह मैं बात कहना चाहूंगा और बड़ी ही जो ना ये समझे कि हाथ जोड़ के ये बात कहता तो हूँ कि क्या अहले बैत से दूर रहने वाला अल्लाह के इरादे से दूर है अगर वो अल्लाह के इरादे से दूर है प्रोफेसर क्या बात अगर अल्लाह के इरादे से तो दूर है तो तू अपने आप को सोच तू कितना बड़ा बदबख्त है आ, तो हैं? तो इसका मतलब है कि दूर वही है जो रिज्स है तो रिज्स जिन्हें पंजाबी कहते हैं पलीती तो जिन्हों जिसको उर्दू में कहते हैं नापाकी तो याद रख वो जो खुदा की यानी वो करदा है यानी जो खुदा का हुक्म है जो अल्लाह का इरादा है कि दूर इनसे वो ही होगा जो रिच होगा तो याद रखो दूर रहने वालों जरा इस पर गौर जरूर करो कि क्या तुम दूर रह के सही हो या करीब रह के फिर कुरान की कोर आयत में पढ़ी कोल्लाकुम अजरन फिल होंगे तो खुदा के लिए एक और जो नुकता बयान का थोड़ा समय मुझे बहुत लुत्फ आया आज यानी बड़े अरसे के बाद किसी टीवी प्रोग्राम में इतना अच्छा जो ना मुझे लगा माहौल भी और ऐसा बन गया कि सारे आंखों से आंसू भी बह रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि आ, बस इस बात को सोच लीजिए सोच लीजिए कि हम आ, 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 अगर किसी के घर में खुशी हो ना अपने मोहब्बत करने वाले के घर में खुशी हो तो हम खुशी मनाते हैं अगर उसके घर में गम हो तो हम गम करते हैं चले मैं एक मिसाल देता हूँ कि मुर्शद के घर में अगर खुशी हो तो जो वाकई हलाली मुरीद होता है उस वो भी उस खुशी में शरीक होता है अगर गम हो तो गम करते हैं ये मोहब्बत का तकाजा है मोहब्बत का तकाजा है अगर चले जो मुर्शद और उसको नहीं मानता वो कम से कम ये तो जानता है कि मेरे बड़े भाई के घर अगर उसके बड़े भाई के घर अगर खुशी है तो खुशी करता है अगर गम है तो गम करता है तो खुदा के लिए समझे आज रसालत माँ की बताई हूं ईदों को तो हम ईद समझते हैं खुशी करते हैं और उसके गम को जो उन्होंने खुद मनाया यानी सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है गम मुफ़ा अगर समझ लिया जाए तो ये वो फिर मैं कह रहा हूं ये वो गम है जो शहादत से पहले मनाया गया तो मैं कहता तो हूँ खुदा के लिए इस बात को समझिए कि हमें साहबा इक्रम तशरी फरमाते ये अमल हुसन गम का साल सारे अपने कोर्स की किताबों में भी पढ़ा प्रोफेसर तो उसमें एक खास बात ए, मैं एक नुकता वाक्य तो हमें पता है आपसे पूछा गया सरकार पूरा साल गम का आखिर क्यों फरमाया दो मेरी मोहसिन हस्तियां खदीजा और दूसरे जनाब मेरी चचा अबू धला तो कहा कि इन इनकी जाने की गम में पूरा साल तुमने गम का मना गोया कयाम तक ये बात बता दी मेरे घर की खुशी के साथ खुशी और गम के साथ गम तो आइए हम इस बात को समझें इन बातों में उलझे नहीं खुशी और गम का को भी हमने फिरकों में तकसीम कर दिया अगर किसी बात पर खुशी है उसको भी हम फिरका बना देते हैं कोई गम है तो उसको भी फिरके में तकसीम ये क्या हो गया खुदा के लिए ऐसे जो है ना वो उलमा के और स्कॉलर्स की बातें सुने और समझे जो दलील के साथ बात कर रहे हैं ऐसे नहीं कर रहे खुदा के लिए समझे और सोचें और मेरा ये दिल कर रहा है एक के मैं आज के दिन की मुनासबत से आ, एक मरसिया का मिजाज है ग्राम जी तो मैं चाहूंगा कि मैं पेश करूं करबला 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 मैं लुट गई बाबा या हुसैन मेरा गाजी ना रहा या हुसैन मैं हो गई बेरीदा या हुसैन अब किस कौतू में सदा करबला 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 सहरा में कितने लाश देखे तेरी बहन ने मजबूरी कर दिया मैं मुझके तेरे दफन ने देती रही मैं सदा या हुसैन कुछ भी मेरा ना बचा या हुसैन सुनता कोई क्या भला या हुसैन जब पर दागी लुट गया करबला 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 जख्मी जो लाश आई लैला के गुल बदन की और टुकड़े टुकड़े देखी तस्वीर भी हसन की सोचो तो भैया जरा या हुसैन सदमा है कितना बड़ा या हुसैन असगर भी मारा गया या हुसैन असगर भी मारा गया या हुसैन रोने लगी कज़ा करबला 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 और इसका आखिरी शेर हमारी बहन ने जिस मजमून को कहा मैं उसको शेर में पेश कर रहा हूँ खै में के कहे लगा रहे थे कम सनयती में सारे आंसू बहा रहे थे भूलेगा ना वो समा या हुना बच्चों की थी सिसकियां या हुसैन उठने लगा दुआ या हुसैन आपदिखू ने लगा करबला 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 बलाज्ला नाज्रीन एक प्रोग्राम का अखता करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें भी इसी राह पर चलाने की हिम्मत अता करे और हम कोशिश तो एटलीस्ट कर सकें और एक अच्छे मुसलमान बन सकें आप सबका बहुत शुक्रिया